लॉकडाउन के दौरान दर्शकों को एंटरटेन करने वाली ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस साल एक से बढ़कर एक वेब सीरीज और फिल्में रिलीज होने वाली हैं। साल की शुरुआत के साथ ही कई सीरीज की रिलीज डेट का भी ऐलान हो चुका है। फरवरी के महीने की शुरुआत Z5 ने लाहौर कॉन्फिडेंशियल की रिलीज के साथ की है। आज हम आपको बताएंगे कि फरवरी में आपको एंटरटेन करने के लिए कौन कौन सी सीरीज और फिल्में कतार में हैं। आगे का वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल NN Bollywood अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। सबसे पहले बात करते हैं लाहौर कॉन्फिडेंशियल की। ये फिल्म 4 फरवरी को रिलीज हुई है। फिल्म में ऋचा चड्ढा, अरुणोदय और करिश्मा तन्ना ने लीड रोल निभाया है। फिल्म की कहानी रॉ की एजेंट अनन्या यानी ऋचा चड्ढा की कहानी है, जो एक मिशन के तहत पाकिस्तान जाती हैं और वहां ISI के एजेंट रौफ जाफरी यानी अरुणोदय से प्यार कर बैठती हैं। 12 फरवरी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर वेब सीरीज लाइव टेलीकास्ट स्ट्रीम होगी। ये एक हॉरर सीरीज है जिसमें काजल अग्रवाल लीड रोल में नजर आएंगी। सीरीज के ट्रेलर ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। वहीं 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पर Z5 पर एक्सक्लूसिव सीरीज क्रैश रिलीज होगी। सीरीज में 4 भाई बहनों की कहानी है। अनुष्का सेन, अदिति शर्मा और रोहन मेहरा लीड रोल में नजर आएंगे। अब बात करते हैं मच अवेटेड सीरीज द फैमिली मैन 2 की। द फैमिली मैन 2 जल्द ही 12 फरवरी को Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तांडव को लेकर चल रहे विवाद के कारण सीरीज की रिलीज डेट बढ़ाई जा सकती है। अब बात करते हैं परिणीति चोपड़ा स्टारर मर्डर मिस्ट्री द गर्ल ऑन द ट्रेन की। परिणीति की ये फिल्म बहुत जल्द दर्शकों के सामने होगी। ये फिल्म सिनेमा घरों में नहीं बल्कि OTT प्लेटफॉर्म पर 26 फरवरी को रिलीज होने वाली है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।